हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टडीइंग क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट वर्ड, करंट वर्ड को आप सभी लोग सुने तो करंट क्या होता है? कोई भी इस तरह का सर्किट बना दिया जाए, देखिए जनरली इसको हम यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिए और इसको ले जाकर हम किसी बैटरी के द्वारा इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से एक पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होती है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट, लेकिन करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इसमें से फ्लो क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, तो जैसे इसमें से चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होने के कारण इसमें से चार्ज फ्लो होने की रेट को ही हम करंट कहते हैं। तो करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? करंट के डिफिनेशन अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। या जनरली इतना लंबा ना ले, हम एक कंडक्टर ऐसे ले लेते, इसको आप लोग वायर खाते हैं। इसमें जैसे ही हम इधर से कोई पॉजिटिव टर्मिनल टच करते हैं या लाइव वायर, इसको आपके घर में जो भी कोई करंट वाला वायर, इसमें से आप टेस्टर को रखते हैं और ग्लो करता है, उस वायर को करते हैं, इसमें से क्या होता है? फ्लो होता है करंट। तो करंट फ्लो होना मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन उसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पर यूनिट टाइम इज पर सेकंड में इस चार्ज को क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, जो भी इसके द्वारा भी करें, दोनों के द्वारा होता है। और इसकी यूनिट होती कूलम, उसके चार्ज की यूनिट होती है। और टाइम को टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। क्यू को किसमें मेजर करते हैं? कूलम में करते हैं हम। तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड हो जाएगा। कूलम पर सेकंड को एम्पियर के द्वारा, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रिक के बारे में इस तरह की बात फ्रांस के साइंटिस्ट आद्रे एम्पियर ने किया, इसलिए उनके नाम पर ही कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कैपिटल ए के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू, यूनिट ऑफ करंट इज नोन एज एम्पियर, ए एम पी ई आर ई, एम्पियर। इसमें जनरली कैपिटल ए के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है वन एम्पियर। व्हाट इज वन एम्पियर? इतना आप लोग समझ गए, अब चलते हैं वन एम्पियर क्या होता है। वन एम्पियर, इफ वन कूलम ऑफ चार्ज
flow through a conductor per second, or per second इसको ऐसे भी ले सकते हैं, in one second then amount of current is called one ampere. अब देखिए जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यू, इसमें मेजर होता है इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होती है, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर. देयरफॉर वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर इक्वल टू इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड देन अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. किस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, अब इसमें से कुछ और छोटी भी यूनिट होती है, इससे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10^-3 एम्पियर मीन्स 1 एम्पियर के 1000वें पार्ट को या 1000th पार्ट को हम 1 मिली एम्पियर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10^-6 एम्पियर मीन्स 1 लाख पार्ट जो होता है 1 एम्पियर का, उसको 1 माइक्रो एम्पियर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब कुछ सिंबल्स होते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं या आपको इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उसमें से हमें कुछ ना कुछ सिंबल यूज करने पड़ते हैं, उन सिंबल्स को हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे. अभी जैसे थोड़ी देर पहले एक सर्किट यहाँ पे मैं ड्रा किया उसमें भी यूज था, इस तरह हम जनरली यूज करते हैं बल्ब के लिए BULB बल्ब. ऐसा यदि हम यूज करते हैं एक बिग लाइन एक स्मॉल लाइन, ये होता है सेल CELL, और यदि ऐसे लेते हैं एक बिग लाइन एक स्मॉल लाइन फिर उसके सम डिस्टेंस पे एक बिग लाइन फिर स्मॉल लाइन फिर बिग लाइन स्मॉल लाइन और ऐसे निकालते हैं ये बैटरी होता है. मीन्स यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3 बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. इफ 2 or more than 2 bulbs कनेक्टेड इन सीरीज देन दे मेक ए बैटरी. बैटरी हो गया. रेजिस्टेंस दिखाना है ऐसे इस तरह से हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं, या रेजिस्टेंस को इस तरह से हम कहीं पर एरो लगा देते हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस एम्पियर मीटर को दिखाने के लिए इस तरह का एक सर्किट में ए डाल देते हैं और ऐसी लाइन में प्लस माइनस डाल देते हैं एम्पियर मीटर हो जाता है. जब हमें की दिखाना होता है जिसको हम जनरली स्विच करते हैं ऐसे दिखा सकते हैं एक ओपन की है, और यदि इसी की को ऐसे करके पॉइंट लगा देते हैं एक क्लोज की कवर करता है. ये सब आपके बुक में बने हुए बहुत सारे सिंबल, उन सब सिंबल को आप देख लेंगे. और एक फ्यूज होता है, फ्यूज को जनरली हम ऐसे बना देते हैं फ्यूज होता है और इस तरह ऐसे ये फ्यूज वायर हो जाता है, तो ये फ्यूज कवर करता है. तो बहुत सारे सिंबल आपके बुक में दिए हैं,
इन सबको आप स्टडी करके इसको बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम ओम्स लॉ के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।